बिल्स आते हैं हमारे पास, ओके ये बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, मोबाइल बिल आ गया, या दुनिया भर के जो बिल्स आते हैं कस्टमर सप्लायर का, सब बिल्स आते हैं, तो जब बिल आते हैं हमको कैसा लगता है जनरली, क्या दिल में क्या होता है, वापस ये तो ऐसा नहीं था, अरे यार ये दुनिया भर का हमको, हमारा ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है। मैंने एक बिजनेस किया, ओके 18 साल से शुरू किया, आई लेफ्ट एट 32। अपने आप को अगर मैं जानूं तो आई हैव नेवर फेल्ट हैप्पी रिसीविंग अ बिल। मेरे को बिल आया, अरे क्या बिल आ गया यार, मेरे साथ कभी 14 साल में नहीं हुआ, आपके साथ। तो मतलब क्या है कि हम बिल देखकर हमारा फीलिंग्स को पकड़ो। फीलिंग्स क्या आता है, ओके नो प्रॉब्लम, ऐसा जितना टाइम बिल आएगा ये सिर्फ पिक्चर डालो और उसको महसूस करना शुरू करो। यही चीज करने से, बिलीव मी, यही चीज करने से 30 दिन में देखो क्या अंतर आता है। जस्ट बाय डूइंग दैट टुडे ऑनवर्ड्स, जब भी आपके जितने भी बिल्स है, हमने मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड में बताया था, आई लव यू, थैंक यू, सब बिल्स में डालना शुरू करो, अवेलेबल आउटसाइड और मेक ऑन योर ओन, ओके सब बिल्स में, सब चेक्स में, सब चेक्स में सब वाउचर में ये डालना शुरू करो, यानी कि ये भरपूर है। आई लव यू द बिल्स, आई लव पेइंग, इट्स लाइक, क्यों मुझे अच्छा लगता है पे करने को, क्योंकि इट्स लाइक सेइंग हम गए होटल में, खाना वाना खाया, फिर वेटर आया बिल दिया, बिल क्यों दिया, तुमने खाना खाया बिल दिया ना, राइट ना, तुमने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया तो हमने बिल दिया ना, तुमने मोबाइल यूज किया तो हमने बिल दिया, तुमने ये यूज किया तो हमने बिल दिया, तो उसका खुशी कि आप उतना तक आप एबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है कि हरे है मैंने इतना है, तो उसका खुशी मनाओ। वन लेडी, हर नेम इज जय, she put this stamp and one day she went to the bank with the, something and the manager has been noticing ki kuch na kuch piche aage mat lagana piche laga piche okay piche lagao to unhone notice kiya ki yaar ye to usko bulaya ki ye kya hai piche ye likha hai to usne samjhaya ki humne ye sikha hai aisa karte manager told aaj ke baad आप जिंदगी में ये बैंक में लाइन में खड़े नहीं रहेंगे, आप डायरेक्टली मेरे पास आओ, जो भी आपका काम है मैं देता हूं। नोटिस व्हाट यू आर फीलिंग व्हेन यू गेट द बिल्स एंड पुट दिस थैंक यू स्टैम्प एंड जस्ट एंजॉय। हम गाड़ी में जा रहे हैं, कोई आता है, वो सिग्नल में आते हैं ना बेचने के लिए, लेकिन 100 रुपीज सर, ये 100 रुपीज का है, तो हम बागे नहीं, 50, वो बोले गए थे 50, देन 100, 50, देन नहीं 60, देन 80, 90 तक आएगा, 80 आया, फिर हमने 70 तक गया, फिर लास्ट में 75 में सेटलमेंट हुआ। क्या मैंने बार्गेन किया, देगा एक दूसरे को बोलता है 100 का 75 में लिया, वाह यू फील सो प्राउड। नेक्स्ट पर्सन कम्स, 100 रुपीज़ का चीज, ओके 100 रुपीज़ का चीज, एंड यू से ये 100 रुपया का सर, यू विल से 50 रुपीज, ओके सर ले लो, फिर दिमाग में आता है 25 क्यों नहीं बोला यार, 50 में तो हम मान गया यार, मेरे को तो मैं ऐसा सोच नहीं था यार, एम आई राइट ऑन नो, क्या फर्क पड़ता है, आपने 50 बोला तो हो गया तो बात खत्म होती है ना, हमारे पैसे के बारे में कितना हलचल होता है, गड़बड़ होता है, वो फीलिंग्स को पकड़िए, वो फीलिंग्स को जब आपने चेंज किया आपका जिंदगी चेंज होता है, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ओके आता है जो भी बिल है, हम बोलते ना टिप दे दो, टिप मत दो, दियो डबल दो, जितना मर्जी देना है दो, गिव मोर बट डोंट कॉल इट टिप, टिप इज you know demeaning the person, you just tell him this is good luck from my side, this is good luck, give money jo bhi aapko dena hai, good luck dijiye,